आगे रास्ता देखो यार कैसा हो रखा है। ओह माय गॉड, कैसे जाएंगे इस रास्ते पे, पूरा स्लश है एक्चुअली। क्या मस्त स्नो गिरा हुआ है भाई। हो अभी अपने को उधर ऊपर तक जाना है। देखो धीरे धीरे मूवमेंट देते रहना बस बाइक को। हे ऊपर वाले, ये क्रॉस करा दे बस इजीली। What's up guys, I hope you guys are doing absolutely fine and today is day 9th. हम लोगों का आज day 9th है नॉर्थ ईस्ट राइड का एंड यहाँ से हम लोग बेसिकली आज दोबारा से क्रॉस करने वाले हैं सेला पास जो कि है उधर पहाड़ियों पे एंड आज देख के लग रहा है और भी स्नोफॉल हुआ है। सो अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैंने लिया है रोप जो कि हम लोगों को स्नो के टाइम पे बांधना पड़ेगा। जैसे पिछले कुछ आपने व्लॉग्स में देखा जहाँ हम लोगों ने सेला पास क्रॉस किया था कितनी बार गिरे थे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रोप कैरी करना एंड जितना भी लगता है टायर में उसको टाई करना है। सो ये वाला रोप लिया हुआ मैंने एंड बेसिकली ये तो है तो पतला, इसमें लगना तो नहीं चाहिए। ये इस तरीके से कुछ बनेगा, अभी मैंने बस आधे में बांध के देख लिया ताकि ये लग जाए, तो हाफ हो गया। अभी इसको डबल कर दूँगा एंड सेम वे में आगे वाले में भी ऐसे बांधना पड़ेगा। तो देखो गाइस यहाँ से फाइनली मतलब पहाड़ियों पे दिख तो रहा है बहुत फ्रेश स्नो पड़ा है, क्योंकि ये सब पहाड़ियों पे ना स्नो नहीं था कल। एक्चुअली मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड हम लोग तो शाम में मतलब जैसे पूरा ऑफ रोडिंग करके आए 87 किलोमीटर्स का। तो अगर आप लोगों ने कल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो आई नोटिफिकेशन से जाके देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग राइड था। बट ओनली थिंग इसकी ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा था, बट चलता है कोई चक्कर नहीं है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, यहाँ से हम लोग जाएंगे दिरांग एंड दिरांग से अगर आगे हुआ तो स्ट्रेच करने वाले हैं टिल तेजपुर। हम लोग तेजपुर तक स्ट्रेच करने वाले हैं दिरांग से, और अभी भी यहाँ से हम लोगों को सेला पास पहुँचने में लगेगा अराउंड 2 आवर्स, और इधर पे भी पूरा ही ऑफ रोडिंग है। तो आज का कंडीशन सेला पास का पता नहीं कैसा हो, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं क्योंकि 8:45 हो चुका है ऑलरेडी, 2 घंटा लगे हैं, मतलब रफली 11 बजे के अराउंड हम लोग पहुँचेंगे सेला पास। एंड सेला पास एक बार क्रॉस कर लिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से उसके बाद में रोड हो जाता है सही। यहाँ से तो पड़ता है मस्त वाला ऑफ रोडिंग। एक्चुअली तवांग की तरफ जब आप थोड़ा सा पहुँच जाते हो ना तब ऑफ रोडिंग नहीं मिलता, यहाँ पे इधर पहले तवांग मतलब सेला पास वाला जो पहाड़ी है ना इसमें बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। बेटर सजेस्टेड यही है कि थोड़ा सा, ये देखो कैसे पूरा गाड़ी स्किड खाया अभी मेरा, शिट, थोड़ा सा देख के चलना है क्योंकि वेट जब लगेज का भी ज़्यादा रहता है ना तो भी प्रॉब्लम आती है। धीरे धीरे तो हम लोग हाइट पकड़ रहे हैं, तो अभी ये वाला एक्चुअली पहाड़ी क्रॉस करने के बाद में वो जो पूरा स्नोफॉल वाला पहाड़ी है वो आ जाता है। ये बच्चों को मज़ा आता है। तो अभी इधर देखो नीचे नीचे तक यहाँ तक बर्फ़ आ गई है, पहले नहीं थी जब उस टाइम पे जा रहे थे, ये पूरा पड़ा हुआ था। ये देखो यहाँ पे भी स्नोफॉल हुआ है, फ्रेश ही है सारा। ऊपर जाके लगने वाली है भाई, ये देखो यहाँ तक आ गया स्नो। ओह माय गॉड, वो वाला पहाड़ी देखो यार, मतलब क्या सही दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही अमेजिंग और नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है एकदम मस्त। हर पहाड़ी का टॉप बिल्कुल स्नो कवर्ड है।
ट्रस्ट मी यार, मतलब रोड बहुत बढ़िया है, रोड पे चला के मजा आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे हो गई ये मस्त एकदम पूरी स्नो शुरू। ओ ये देखो ये पूरी स्नो फ्रेश है, यहाँ तक गिरी नहीं थी भाई उस दिन तो, बट अभी ठीक है यार, मतलब हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चले तो प्रॉब्लम नहीं है, हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ये बेसिकली ये जो ऊपर वाला फोर्ट दिख रहा है आपको, ये है यहाँ वॉर मेमोरियल, एंड इधर पे ही डोसा बहुत अच्छा मिलता है, अगर किसी को एक्सपीरियंस करना हो दे कैन। ओह माय गॉड, अब इतने सारे मेरे को लग रहा है अगर ट्रक निकलेंगे तो मे भी शायद हम लोगों को आगे जाके रोक दिया जाए। आगे रास्ता देखो यार कैसा हो रखा है, ओह माय गॉड कैसे जाएंगे इस रास्ते पे, पूरा स्लश है एक्चुअली, बड़ा देख के चलाना पड़ेगा वैसे, थोड़ा सा कंट्रोल करके, क्योंकि इसमें चलाने में दिक्कत नहीं है, मेन ये है कि इधर उधर डोल जाती है गाड़ी, बेटर है पानी वाले से ही निकाल लो, ये थोड़ा सा जहाँ ऊपर करने का ट्राई किए वहीं पिक गिरोगे। तो यहाँ से सेला रह गया कुछ 14 किलोमीटर्स, एंड वो देखो भाई क्या माउंटेन कवर हो रखी है स्नो से, बट अभी जैसे ही मैं स्नो वाला एरिया में पहुँचाऊँगा ना, मैं इसमें टाई कर दूँगा रोप एंड वहाँ से पट पट करके निकल जाएगा। देखो भाई लोग ज़बरदस्त स्नो रखा है, एक तो स्टोरी ले लेते हैं इंस्टाग्राम के लिए, हाँ इसको स्टार्ट ही रहने देते हैं, पता नहीं है ऑल्टीट्यूड एरिया पे क्या मस्त स्नो गिरा हुआ है भाई। हो अभी अपने को उधर ऊपर तक जाना है, चलो फिर अभी कुछ नहीं बोलूँगा, आप आराम से राइड एंजॉय करो एंड नज़ारे लेते चलो। ये देखो अपने राइट साइड में चल रही है सेला लेक, यहाँ पे पूरा ब्लैक आइस हो जाता है बीच में, इसको थोड़ा सा देख के निकालना है बस, रखा ना। ये देखो ये वाली जो आइस होती है ना ये खतरनाक होती है, ये पूरी जम जाती है, और इवन सीन पता क्या होता है जब आप स्नो में राइड करते हो ना, तो आपका जो ये रहता है जो आपका टायर रहता है वो भी बड़ा हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से वो बिल्कुल स्किड खाता है, तो दैट इज़ द मेन रीज़न। अभी ऐसी रोड में अगर बटन टायर से रहता ना तो प्रॉब्लम नहीं होता, अभी देखो आई थिंक सो इन्होंने रोड क्लियर की है थोड़ी, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब स्नो था पूरा, मतलब बीच में चलाना पड़ रहा था। इनसे पूछ लेता हूँ एक बार, अभी रोप बांधना रहेगा क्या, रोप बांध लूँ क्या, रोप जरूरत नहीं है, अच्छा ठीक है थैंक यू। ये तो यहाँ पे ऐसा है, कैसे बोल रहे हैं रोप नहीं बांधना पड़ेगा, गिर जाएंगे ऐसे तो, सेला पास तक तो खैर पहुँच जाएंगे, क्योंकि सेला पास तक उस साइड से पहुँचने में ना वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, इधर साइड में उतना नहीं होता, यहाँ तो थोड़ा सा पानी वानी था तो चल गया था अपने को, अब चाहिए रहेगा तो बांध लेंगे, वैसे अभी तो ज़रूरत नहीं लग रही है, होपफुली अभी तक तो ना बांधना पड़े। इधर तो वैसे ही टायर फंस जाता है। ये इस बाइक का टायर भी मोटा है ना, अब यहाँ से ना देखो ये सीन जो होता है, ये तो इधर ऐसा ना कि बाइक थोड़ा सा एक्सलरेट धीरे धीरे करते रहो पहुँच जाओगे आराम से, और ये पानी वाला एरिया ना इसी में चलाओ बस। ये देखो यो मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया फाइनली। It was not that difficult today, right? Still nothing. Okay, no. No, that is there, but still they have cleared the roads. Yeah.
चलो वैसे सही टाइम पे पहुंच गए, 10:26 राइट नाउ। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो जैसा कि अभी यहाँ पे लोग कह रहे हैं, रोप बांधने की ज़रूरत तो नहीं है। लेट्स सी, गिरा एक बार भी तो मैं रोप बांध लूँगा भाई, अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है एक्चुअली, क्योंकि नीचे भी जाता ना गाड़ी तो स्किड खाता है। ये देखो एक्चुअली नमक डाल देते हैं तो उससे ना बर्फ जम जाता है। देखो धीरे धीरे मूवमेंट देते रहना बस बाइक को। ये ऊपर वाले ये क्रॉस करा दे बस इजीली, यही मेन है बस। अब ये उस दिन जाते टाइम में इतनी बार गिरे ना भाई, इधर से थोड़ा सा जगह हो जाएगा तो ट्रक निकल जाएगा। वेट वेट वेट, फोन मारी जा रहा फुद्दू। हाँ फाइनली क्रॉस किया है, अभी शायद तो बर्फ नहीं मिलना चाहिए आज एक्चुअली, बता रहे हैं वैसे भी थोड़ा सा वेदर जो है ना वो अच्छा है तो अभी हम लोग यहाँ 13,700 फीट से नीचे उतर रहे हैं एंड पूरा ही स्नो। देखो 13,700 फीट तो बाद की बात है, वो देखो नीचे नीचे तक स्नोफॉल हो रखा है। अभी नीचे जाके मेरे को थोड़ा सा टायर प्रेशर सही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कम किया था ताकि स्नो पे थोड़ा चल पाए, क्योंकि फ्लैट अगर थोड़ा सा ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है ज़मीन से लगने का तो उसी हिसाब से थोड़ा अच्छा चलता है, उसकी वजह से मे भी शायद निकल गई बाइक मेरी, वरना थोड़ा सा अगर प्रेशर ज़्यादा रहता ना तो फिर डोलती है गाड़ी इधर उधर। तो देखो गाइस फाइनली थोड़ा तो नीचे आ चुके हैं काफ़ी हाइट से, अभी भी और नीचे जाना है। तो आज का वैसे राइड मज़ेदार रहा, यहाँ से तेजपुर का डिस्टेंस आ गया है 232 किलोमीटर्स यहाँ से तेजपुर का डिस्टेंस रह गया है, और अभी मेरा फ्यूल रेंज दिखा रहा है 208। तो दिरांग से वैसे हम लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा, तो दिरांग में एक फ्यूल स्टेशन है, वहाँ से दोबारा फ्यूल अप करके देन आगे निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ से एग्जैक्टली देखो दिरांग पहुँचने में भी लग जाएगा आई थिंक सो एक घंटा तो और, एंड एग्जैक्टली अगर मान के चले तो बाई 1 o'clock हम लोगों का, बाई 1 o'clock आगे निकल जाएंगे तेजपुर के लिए, और तेजपुर से दिरांग आने में हम लोगों को लगा था लगभग 8 घंटा। तो होपफुली बाई 8 o'clock या 9 o'clock तक हम लोग पहुँच जाएंगे, बाकी डिपेंड करता है बाकी सबकी राइडिंग स्पीड से। देखो मेरे को तो खाने पीने का उतना टेंशन नहीं होता क्योंकि आराम से भी खा के थोड़ा बहुत ऐसे में, तो ज़्यादा ब्रेक नहीं, थोड़ा बहुत बस पेट भरने के लिए बस कुछ खा लो तो इनफ रहता है। हम लोग पहुँचे थे, हम लोग निकले थे 9 बजे एंड मैंने अभी एग्जैक्टली 3.5 घंटे में पहुँचा दिया दिरांग। हम फर्स्ट, अभी क्या करते हैं 99 का रेंज दिखा रहा है तो मैं जाके पहले फिलिंग करा लेता हूँ और वहीं पे बाकी अपने साथी राइडर्स का भी वेट करता हूँ।
जी 800 की क्या चीज प्राइस कितना है 9.5 lakhs इतना ही देता है चला नहीं नहीं बाकी हैं और पीछे आ रहे हैं सेला पास से आ रहे हैं अभी हाँ कितना मेरे को तवांग से यहाँ 3.5 hours लगा सो गाइज अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ बेसिकली मैं उस साइड से आ रहा था एंड यहाँ पे है टेंजा मेरे को जाना है उस वाली रास्ते पे ये वाला एक और रास्ता है जो कि गुवाहाटी चला जाता है तो अपने को अभी गुवाहाटी तो नहीं जाना है यहाँ से टेंजा जाना है यार अभी ग्लव्स पहनने का मन नहीं कर रहा क्योंकि अभी थोड़ी सी दूर पर ना रेस्टोरेंट है मैंने बोल दिया सबको पहुँचने के लिए टेंगा में है सो टेंगा ही 7 kilometers अभी और वो वाला रास्ता जो उधर राइट साइड जा रहा है वो चला जाता है गुवाहाटी तो अभी यहाँ से तेजपुर रह गया है 142 kilometers भालुकपोंग इज 84 तो भालुकपोंग 84 बेसिकली जो अरुणाचल का बॉर्डर पड़ जाता है दैट इज 84 kilometers ओनली देखो क्या खींचा है मैंने स्पीड देख रहे हो मतलब अभी टाइम कितना हो रहा है अराउंड 2 बजने वाला है अभी थोड़ी देर पहले देखा था 154 हो रहा था 2 बजने वाला है और मैंने बिल्कुल लंच टाइम पे तेंगा पहुंचा दिया तो इसे कहते हैं स्पीड देखो एम बना के चलोगे तो पहुंच जाओगे टाइम से अदरवाइज स्लो राइड करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे तो थोड़ा सा गोल सेट करना पड़ता है अगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि स्पेशली आज के दिन मतलब 187 kilometers दिरांगा और उसके अलावा बाकी जो 137 टोटल डिस्टेंस है वो भी पहाड़ी के एरिया में 300 से ऊपर का है आज का तो वो जितना टाइमली निकलोगे वैसे तो हम लोग काफ़ी लेट निकले बट कुछ कर भी नहीं सकते थे ज़्यादा जल्दी निकल के भी मौसम थोड़ा सही होने का वेट करना ज़्यादा बेटर था तो हम लोग वहाँ फिर वेट किए एंड देन 9 o'clock शुरू किए तो उस हिसाब से स्पीड तो मेरी अच्छी खासी मेंटेन्ड है भाई थोड़ा सा साइड दे दो यार अच्छा एटलीस्ट आज तेजपुर पहुंच जाएंगे तो जितना दिन का जो मिस हुआ है ना वो कवर अप हो जाएगा एक दो जगह बीच में हम लोगों ने स्टे रखा था तो उसकी वजह से हम लोग क्योंकि तवांग में रुक गए तो उसकी वजह से हम लोगों ने ना थोड़ा सा जो प्लान है वो चेंज कर दिया है अभी लंच करते हैं आर्मी का है बंद कर देता हूँ ये चीज़ ठीक है यहाँ पे वेज बिरयानी छोले भटूरे क्या क्या है भाई ऑप्शन तो गाइस देखो थोड़ा बहुत रुक के मैंने एक तो लंच तो नहीं मिला वैसे थोड़ा बहुत ऐसी स्नैक सा खा लिया तो अभी यहाँ से जो हम लोगों को तेजपुर का डिस्टेंस रह गया दैट इज़ समवेयर अराउंड 120 kilometers तो होटल वोटल का ऑन द गो बुकिंग हम लोग जनरली कराते हैं तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है एंड ये देखो कुछ तो काम चल रहा है यार यहाँ पे उस टाइम पर भी था ही वही तो थोड़ा सा तेजपुर की रोड पे ना थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग मिल जाएगा क्योंकि अभी रोड बन रहा है एनीवेज फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ अभी भालुकपोंग एंड टाइम हो रहा है 4 o'clock तो यहाँ से जो डिस्टेंस रह जाएगा तेजपुर का दैट इज़ समवेयर अराउंड 50 kilometers आराम से हो जाएगा टेंशन नहीं है देखो दिन दिन में राइड कम्प्लीट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है अब ऐसे रास्ते में देखो रात में आने में कितना प्रॉब्लम होगा क्योंकि लाइट नहीं है कुछ नहीं है वैसे तो अपने पास ये है अपना मैड डॉग का लाइट जो भी लगवाया था मैंने बट क्यों देरी करनी फालतू का वैसे लोकल राइडर्स यहाँ पे रात में निकलते हैं मस्त एकदम मस्ती मारने रास्ता तो बढ़िया है क्योंकि बट नाइट में राइड करना इज़ नॉट एट ऑल सेफ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यार मतलब अब कहीं अगर फंस जाओ तो आपको कोई हेल्प करने के कहीं अगर फंस जाओ तो हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहेगा देन फिर उसके बाद में लाइट का इशू है फिर वाइज़र खोल के चलाओ ग्लेयर आता है ज़्यादा बहुत सारी चीज़ होती है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसलिए बेटर है जल्दी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दो क्योंकि पता है दिन होएगा अभी रात में अगर राइड स्टार्ट करोगे तो फिर रात ही हो जाएगी
अगर लेट राइड स्टार्ट करोगे तो रात ही हो जाएगी, इसलिए ऑलवेज बेटर टाइम पे स्टार्ट करो, टाइम पे एंड करो। एंड ये बेसिक सा रूल है अगर कोई भी लॉन्ग राइड करता है तो, कभी भी ऐसे कंटेंट बनाने के चक्कर में या फिर कुछ भी मतलब अपना राइड करने के चक्कर में लेट मत करो कभी भी।